डीके मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ट्रांजिशन ऑफ आईवी फ्लूड टू ओरल। अभी तक हम डीके का बच्चा जो अनकॉन्शियस था तो उस पर आईवी इंसुलिन और आईवी फ्लूड दे रहे थे, अब बच्चा कॉन्शियस हो गया है, दो 12-12 घंटे पे हमने एबीजी कराया है, दोनों एबीजी में एसिडोसिस और कीटोसिस रिजॉल्व हो चुका है, यानी उसका बाइकार्बोनेट 15 के ऊपर चला गया है, पीएच 7.3 के ऊपर चला गया है, मतलब बच्चा एकदम कॉन्शियसनेस उसका इम्प्रूव हो गया है। अब बच्चे को हम ओरल डाइट देंगे और उसको सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे मेंटेन करके डिस्चार्ज करने का प्लान है। तो जैसा कि आईवी रेगुलर इंसुलिन जो है इसकी जगह हम सबक्यूटेनियस इंसुलिन करेंगे, दूसरा वो आईवी फ्लूड की जगह ओरल डाइट बनाएंगे और इसके लिए हम डाइट चार्ट बनाते हैं। डाइट चार्ट बनाने के लिए हमें उसका एज होना चाहिए, उस एज पे कितने कैलोरी होता है, उस कैलोरी को हम 5-6 मील में डिवाइड करके हम उसको डाइट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, पहले हम ये इंसुलिन बनाते हैं, तो जब हम अभी तो आईवी रेगुलर इंसुलिन चल रहा था, अब हम इसमें जो इंसुलिन देंगे सबक्यूटेनियस इंसुलिन देंगे वो दो तरीके का होता है, एक होगा अल्ट्रासाल्ट एक्टिंग और साल्ट एक्टिंग, या तो अल्ट्रासाल्ट एक्टिंग देंगे या साल्ट एक्टिंग। ठीक है, अल्ट्रासाल्ट एक्टिंग में आपका तीन होते हैं, ग्लुलिसिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो। ग्लुलिसिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो, पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा एस्पार्ट को प्रेफर करता हूँ, फिर लिस्प्रो को, थर्ड पे इसको। ठीक है, इस ऑर्डर में, ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं। या अगर मान लो ये नहीं देना है तो उसके यहाँ आप साल्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन को ही दे सकते हो। रेगुलर इंसुलिन का ये नहीं कि ये सिर्फ आईवी होता है, खास बात है यही एक इंसुलिन है जो केवल आईवी दिया जाता है, बाकी सारे सबक्यूटेनियस होते हैं। ठीक है, इंसुलिन आईवी इंसुलिन एक ही है, तो ये आईवी के साथ साथ सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, लेकिन आईवी केवल इसको देते हैं, इसीलिए डीके मैनेजमेंट के लिए रामबाण ड्रग होती है रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, अब साल्ट एक्टिंग इंसुलिन, अब देते कैसे हैं इस इंसुलिन को, जैसे हम होता क्या है, एक नाश्ता होता है, ठीक है, एक लंच होता है, डिनर होता है, तीन तरीके के फूड वो मेजर फूड होते हैं, तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, और कितना मिनट बिफोर, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट क्या करना है, पहले उसको 30 मिनट पहले एक आरबीएस कराना है, आरबीएस करा के पहले देख लेना, आप पता लगा शुगर बहुत कम है, आपने इंसुलिन दे दिया। ठीक है, तो आपको इंसुलिन देके, तो इंसुलिन देने के बाद तुरंत जितना जल्दी जल्दी खाना खिलाना है, 30 मिनट बिफोर करते हैं, 30 मिनट पहले जांच करते हैं। ठीक है, और इंसुलिन लगाने के बाद फिर आपको खाना देना है, इसलिए कहते हैं इंसुलिन लगाने से पहले आप खाना ला के टेबल पे रख लो, ऐसा नहीं आप कहीं हो, पता लगा किसी निमंत्रण में गए हो, पता लगा माहौल बन रहा लगने वाला, कोई ऐसा हो गया कि नहीं चल अभी पूरी निकलने में देर हो रही, सब्जी निकलने में देर, रोक दिया, इंसुलिन लगा बैठे, पता लगा बेहोश होकर गिर जाओगे। तो डायबिटिक वाले पेशेंट को एवरी पॉइंट पे, ठीक है, कहीं गए हो पार्टी में, हाँ ऑर्डर किए, बस आने वाला है, और आने आते कभी कभी पार्टी में ऑर्डर करते करते आने में आधा एक घंटा लग जाता, वो तो बेहोश होकर गिर जाएगा, तो सामने आके रख गया तभी लगाना है, तभी खाना, ये चीज़ें बहुत, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जैसे मंगाने गया बाहर, पता लगा मिले नहीं, ठीक है, उसमें एक तो डाइट चार्ट होता है ये चाहिए, तो इसलिए पहले सामने ला के जब टेबल पर रख लेना तभी खिलाना। ठीक है, तो दूसरा है ये साल्ट एक्टिंग, ठीक है, ये दोनों हो गए, दोनों में से कोई एक लेना, इसका 3 डोज होता है, 3 प्रीमील डोज। ठीक है, आधा घंटा मतलब खाने के पहले, लंच के पहले, नाश्ता के पहले और डिनर के पहले, वही 3। ठीक है, अब आरबीएस मॉनिटरिंग कैसे करना है, एवरी 30 मिनट बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर मील, मतलब ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले और ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद, लंच के 30 मिनट पहले उसके बाद 2 घंटे बाद, डिनर के 30 मिनट पहले और उसके 2 घंटे बाद, इस तरह से। अब दूसरा एक तो ये साल्ट एक्टिंग हुआ, दूसरा एक होगा लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का यूजली हम 1-2 डोज देते हैं, पर्सनली हम 1 डोज देते हैं, चाहे 10 बजे रात को चाहे 10 बजे दिन में, एक वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जो मोस्ट कॉमनली यूज है ग्लार्जिन, ग्लार्जिन को जो मार्केट में नाम होता है बेसिलाग के नाम से, तो बेसिलाग के नाम से आता है। ठीक है, इसके अलावा डेवलुडेक, डेवलुडेक को बोलते हैं लार्जेस्ट एक्टिंग। ठीक है, इसके अलावा एनपीएच होता है,
न्यूटन प्रोटामिन हेक्डेन, न्यूटन प्रोटामिन लॉन्ग एक्टिंग मेथिन जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों, ये इंसुलिन का सारी सबक्यूटेनियस देते हैं, इसका एक सिंगल डोज देते हैं यूजली, ठीक है। यूजली हम 10 PM कर सकते हैं या 10 AM, ठीक है। ये क्या करता है, ओवरऑल 24 घंटे को कम करता है, ये प्री मील, ठीक है। अब देने में ध्यान क्या देना है इसमें, अगर 60 एक्टिंग दे रहे हैं तो आपको 15-30 मिनट पहले देना है, बिफोर स्टॉपेज ऑफ आईवी इंसुलिन, ठीक है। आईवी स्टॉप करने के 15-30 मिनट पहले देना है, ठीक है, क्योंकि उसका असर आने में, एक्ट करने में 15-30 मिनट, आपने पता लगा बंद कर दिया, ठीक है, उसका असर 15-30 मिनट में क्या कर, रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया करा देगा, बहुत तेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए 15-60 एक्टिंग है 15। अगर आप रेगुलर इंसुलिन दे रहे हो, रेगुलर वाला 60 एक्टिंग, अल्ट्रा 60 था 60, तो इसको 1-2 आवर्स इसको अगर दे रहे हो, इसकी जगह इसके दे रहे हो, तो 1-2 आवर्स बिफोर स्टॉपेज, मतलब आपको अगर 9 बजे सुबह स्टॉप करना है तो आपको 8 बजे दे देना है या 7 बजे, 1 या 2 घंटा पहले दे देना है। तो 1-2 आवर बिफोर स्टॉपेज, ठीक है, 1-2 आवर बिफोर स्टॉपेज। अब अगर आप लॉन्ग एक्टिंग दे रहे हो, लॉन्ग एक्टिंग दे रहे हो, तो लॉन्ग एक्टिंग को जैसे मान लो कल उसको सुबह 8 बजे बंद करना है आईवी इंसुलिन, तो आज रात को 10-11 बजे दे दो, इसको नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लूड आईवी इंसुलिन स्टॉप करना है तो उसी के पहले वाली इवनिंग में, ठीक है। इसको मान लीजिए आज 10 PM पे दे दिए, 10 PM पे, तो कल सुबह स्टॉप करना है, ठीक है, मतलब आज इवनिंग में दिए तो नेक्स्ट मॉर्निंग में, ठीक है, इसको पहले देना होता है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, इसका एक्शन करने में समय लगता है और ये पूरे 24 घंटे का कंट्रोल करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा लोगों, बहुत लोगों जीआर को भी बहुत दिक्कत होती समझने में, तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ट्रांजिशन, एक तो आईवी इंसुलिन का ट्रांजिशन, अब दूसरा समझिए आईवी फ्लूड का ट्रांजिशन ओरल डाइट में। अब बच्चा अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो गया तो ओरल डाइट में, ओरल डाइट में हम देखो डाइट चार्ट बनाते हैं। डाइट चार्ट में हम क्या करते हैं कि हम 5 मील यूजली करते हैं, ठीक है। एक हम कर देंगे मान लो 7 AM कर दिए, ठीक है, एक फिर हम कर देंगे 10 AM, यूजली बहुत लोग 6 करते हैं, ठीक है, 1 PM कर देंगे, 4 PM कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 8 PM, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग 10:30, ये 11 करते हैं। इसमें जो 8 PM वाला होता है वो लंच होता है, ठीक है, 8 PM वाला डिनर होता है, ठीक है। इसको यूजली हम लोग तो मतलब 8 वो करते हैं, एक ही करते हैं 8 AM, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट। और ये 4 PM पे जो देते हैं हम, इसको देते हैं एज ए क्या कहते हैं, मतलब स्मॉल मील के रूप में देते हैं, जैसे तुम स्नैक्स बोल सकते हो, स्नैक के रूप में, स्नैक के रूप में, ये भी एक स्नैक के रूप में, स्नैक के रूप में यूजली हम मिल्क दे देते हैं हम लोग, ठीक है, मिल्क देते हैं। अब इसमें डाइट कैसे करते कैसे हैं, ये होगा 30%, लंच जो होगा टोटल डाइट का 30% होगा, डिनर भी 30% होगा, ठीक है, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो 15% होगा, ठीक है, टोटल कितना 75 हो गया, ठीक है। अब जो आपका एक ये है मिल्क वाला, ठीक है, इसको हम 10% कर देते हैं, ठीक है, ये 4 बजे वाला जो है इसको 15% कर देते हैं, ठीक है, ये टोटल 5। जो कुछ लोग 6 डाइट वाला करते हैं, 6 डाइट वाला, ठीक है, यूजली हम इसी तरह 5 डाइट में करते हैं, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले 8 बजे ब्रेकफास्ट दिए, ब्रेकफास्ट में 15%, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको
20% करके, ठीक है, फिर ये दोनों 10-10% हो जाते हैं, 10% ये, 10% ये, ठीक है। वैसे ये वाला मुझे ज्यादा सही लगता है, 20% इसको, 30% इसको, 30% 30-30, 60-20-80 और 10-10% ये, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से मतलब मान लीजिए, अब जैसे मान लो आपके पास टोटल कैलोरी आ रहा है 2000 किलो कैलोरी, ठीक है। अब इसका 10% कितना होगा, आसान तरीका हो, 10% 200 हो जाएगा। अरे इसको 10% निकाल लो, दो सौ हो गया, समझ में बात, 2000 का 10% 200 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा ब्रेकफास्ट में, 400 किलो कैलोरी चाहिए, 20% है ना, ठीक है। ये 30% कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। लंच वाला कितना हो जाए, लंच वाला हो गया, ठीक है। इसमें 4 बजे 10% कितना हो जाएगा, 200 बेटा 10%, ये ना। अभी 4 PM वाला बात करें, 8 PM वाला कितना हो जाएगा, 30% है 600, और 10:30 या 11 बजे वाला 10% कितना, 200। समझ में आ गया, अगर यही 3000 किलो कैलोरी होता तो उसके अनुसार डिवाइड करते, 1500 होता है ऐसे, तो हमें क्या याद करना, 10%, 10%, 20%, 30%, 30%, इस तरह से डाइट करना है, ठीक है, डाइट का। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमेशा जो इंसुलिन होगा, जैसे इंसुलिन हमेशा, इंसुलिन ओ क्या ना, डाइट जो होगा, कैलोरी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा एज के अनुसार करेंगे, एज के अनुसार। जैसे मान लो हमने 20 किलो वजन है, जो 20 किलो लेके चल रहे थे, सारा कैलकुलेशन 20 किलो के लिए ना, 20 किलो मान लो, ये 7 साल का बच्चा है, उसका वजन 20 किलो है और कैलोरी, या मान लो 8 साल का, 8 साल लिए थे ना, 8 साल का बच्चा है, कैलोरी उसका, अब इसके 8 साल ICMR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मान लो इस 8 साल पे उसको 2000 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है, चाहिए इसके अनुसार, मान लो रहे। अब मान लो इसका वजन 20 किलो है, तो 20 किलो का आपने पढ़ा होगा कि जैसे हॉलीडे सिगार फार्मूला फ्लूड के लिए होता है, वैसे हॉलीडे सिगार फार्मूला कैलोरी के लिए भी होता है। पहले 10 किलो के लिए 100 से, अगले 10 किलो के लिए 50 से, फिर उसके बाद 20 से। तो इसका 10 से करोगे, पहले 10 किलो के लिए 1000 हो गया, दूसरे के लिए कितना हो गया, 500, 50 से करोगे टोटल कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है, टोटल कितना हुआ, 1500। अगर आप वेट के अनुसार इसको कैलोरी दोगे तो 1500 हुआ, एज के अनुसार कितना हो रहा, 2000, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थे किसके अनुसार करें, ठीक है, अभी बात इंसुलिन की आएगी, तो इसलिए मैं बहुत जोर क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमेशा एज के अनुसार देना है, ठीक है। अब तुम तो कहोगे बॉस में 1500 किलो कैलोरी है और डायबिटिक पेशेंट में जितना कैलोरी कम देंगे शुगर कंट्रोल उतना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है, आप क्यों ज्यादा कैलोरी देके वो कर रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसी चीज को 2/3 कैलोरी करते हैं कि कैलोरी कम कर देंगे, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और बच्चा अच्छा मैनेज रहेगा। तो आज हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं ऐसा नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, आपके पास बींग पीडियाट्रिक, हमारे पास बच्चे आते हैं वो ग्रोइंग एज है और उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब चाहिए। अगर आपको उसको न्यूट्रिशनली कम कर दोगे तो उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, आप डायबिटीज से तो उसको कंट्रोल कर लोगे। तो बीइंग पीडियाट्रिशियन हमारे लिए उसका ग्रोथ डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको कैलोरी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि उसको ग्रोइंग एज है। एडल्ट में आप क्योंकि ग्रोथ हो चुका होता है, मेडिसिन वाले कंप्रोमाइज कर ले डाइट के साथ, लेकिन हम पीडियाट्रिशियन उसको ग्रोथ को ध्यान में रखना है, तो हम डाइट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। डाइट हम फुल देंगे, भले हमको इंसुलिन का डोज हाई रखना पड़े, बढ़ा के रखना पड़े, तो डाइट हमेशा एज के अनुसार होगा, डाइट हमेशा एज के अनुसार होगा, ध्यान रखना भूलना नहीं, ठीक है। और जो इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा वेट के अनुसार करेंगे, उसका कितना वेट है, ठीक है, क्योंकि ठीक है वेट बदलता रहेगा तो इंसुलिन हम बदल देंगे, डाइट चार्ट में छेड़खानी नहीं करते हैं। तो अब इंसुलिन देते कैसे हैं, जैसे वहां आईवी इंसुलिन का डेज था 0.05 to 0.1 यूनिट पर केजी पर आर्स, वहां आर्स में था, यहाँ 24 डे का होगा, पूरे दिन का निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये न्यू केस है, मतलब पहली बार डीके का केस है, न्यू केस है या ओल्ड केस है। अगर ओल्ड केस है, ठीक है,
ओल्ड केस है तो जो डोज था उसी डोज पे और दो रेजिमेंट था, दो चीज होता है, एक होता है डोज, एक होता है रेजिमेंट। जिस रेजिमेंट में, जैसे हमने बताया दो रेजिमेंट होते हैं, एक बेसल बोलस रेजिमेंट होता है, एक मिक्स स्प्लिट रेजिमेंट होता है, उसी को मिक्स्ड आर्ट बोलते हैं। तो अगर पहले से उसको मिक्स्ड आर्ट चल रहा है तो मिक्स्ड आर्ट पे ही कर देना है। पहले से मान लो एक यूनिट पर केजी पर डे से चल रहा है तो उसी पे कर देना है। मान लो डेढ़ से चल रहा है डेढ़ से कर देना, पॉइंट एट से चल रहा है पॉइंट एट से करना, सेम डोज और सेम रेजिमेंट। अगर कोई मिक्स्ड आर्ट या मिक्स्ड स्प्लिट चल रहा है तो नहीं, उसको बेसल आर्ट चेंज करना है, उसी पे कर देना। अगर किसी को बेसल आर्ट चल रहा है, बेसल बोलस रेजिमेंट चल रहा है, तो उसको उस पे कर देना है, ठीक है, सेम रेजिमन सेम डोज पे। और अगर न्यू केस है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे मिक्स्ड आर्ट पे करिए और चाहे बेसल बोलस पे रेजिमेंट करिए। हाँ, डोज के लिए यहाँ पे क्या है, अब देखना है वो प्री प्यूबर्टल एज में है कि प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी की एज क्या होती है, 8 से 13 साल फीमेल में, 9 से 14 साल मेल में, ठीक है। तो अगर प्यूबर्टी एज में है तो डोज थोड़ा हायर रखते हैं, 1 to 1.2 यूनिट पर केजी, 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा तो 1.1 करेंगे, 1.2, कहीं कहीं इसको 1.5 तक भी जाना पड़ जाता है, करते हैं, लेकिन हम 1 to 1.2 जो स्टैंडर्ड डोज दिया है, ठीक है। प्री प्यूबर्टल एज में है तो 0.75 टू 1 यूनिट पर केजी पर डे इस डोज तक जाएंगे, ठीक है, इस डोज। तो देखो कि प्री प्यूबर्टी में स्लाइट लोअर डोज है, प्यूबर्टी में क्यों, हमने बताया था प्यूबर्टी में बहुत सारे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन फीमेल में एस्ट्रोजन, ये सब क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है, एकदम जोश से भरे होते हैं ना, तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया ज्यादा होगा तो डोज ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। तो आईवी फ्लूड का ओरल डाइट में कैसे करूँ, डाइट चार्ट कैसे बनता है, हमने बहुत ब्रीफ बनाया है डाइट चार्ट को, हम चाहते तो अलग से करके, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है। कैसे आप 5 डाइट में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच 4 PM पे स्नैक, उसके बाद 8 PM पे डीएम डिनर, और आपको 10:30 या 10 PM या 11 PM पे, जैसा कितना बच्चा जल्दी सोता है तो जल्दी करना पड़ेगा, वैसे 10 कर दो ज़्यादा सही है। अब डिपेंड करता है सिटी में है कहाँ पे, कितने बजे बच्चा सो जाता है वहाँ पे हम, और उसके बाद हम कैसे करेंगे, 20%, 30%, 10%, 30%, 10%, इस तरह से वो करके वो कितना कैलोरी बन रहा है वो करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इंसुलिन कैसे देना है, आरबीएस कैसे मॉनिटरिंग करना है, तो मैंने बताया था जैसे डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ट्रांजिशन ऑफ आईवी फ्लूड टू ओरल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डीके में 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों पार्ट को कहीं भी इस तरह से इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इस चार्ट को इतने को कम से कम आपको 5-6 पेज में होगा, फिर भी आपको अच्छे से नहीं समझ पाए, मैंने एक टेबल में समझाने की कोशिश की, तो इसको आपको इतनी बार पढ़ना एक एक पॉइंट याद हो जाए, यू शुड लर्न दिस टेबल बाय हार्ट, एक एक पॉइंट, ठीक है।